तरह से हमारी कंटिन्यूएशन ऑफ दैट क्लास है जो पिछली हमारी थी ना। ठीक है, पहले हमने पिछली क्लास में किया लेप्रोस्कोपी। कोई क्वेश्चंस अभी तक उससे रिलेटेड? लास्ट टाइम हमने कोई सच प्रेजेंटर या एक वॉलंटियर इसलिए नहीं लिया था क्योंकि काफी सारे आप लोगों के क्वेश्चंस थे और बड़े जेन्युइन क्वेश्चंस थे। कि वो बेसिकली बात यही है कि बिकॉज नॉर्मली यू आर नॉट इन प्रैक्टिस ऑफ डूइंग इट, बट ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। बेसिक्स आने बहुत जरूरी है, नंबर वन। नंबर टू, पार्ट टू के एग्जाम में सिर्फ आइडेंटिफिकेशन या इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस या प्री ऑप असेसमेंट से आगे की बात भी होगी। इट्स नॉट जस्ट दैट एग्जाम के इसके अंदर, इट्स नॉट आईएमएम। आईएमएम में आप अगर सिर्फ इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करो वहां तक हो जाता है, बट पार्ट टू में आपको थोड़ा सा ट्रोकार इंसर्जन, उससे आगे ट्रबल शूट यानी कि आपको डायग्नोस करना इफ एनी कॉम्प्लिकेशन अकर्स या फिर कोई ट्रबल इन एंटरिंग द ट्रोकार इन टू द एब्डोमिनल कैविटी या वेरियस नीडल की पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस और उसको हैंडल करना, वो चीजें पता होनी चाहिए उसके अंदर। लास्ट टाइम मैंने आपको छोटी छोटी टिप्स दी विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मिनट के अंदर उसको मैं रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले जब आप टोक स्टेशन के ऊपर जाओ, यू नीड टू आइडेंटिफाई एग्जैक्टली कि जो मैनिक्विन पड़ा हुआ है या जो मॉडल पड़ा हुआ है, अगर उसमें ट्रोकार इंसर्जन या कुछ सी चीज की रिक्वायरमेंट है, तो यू नीड टू आइडेंटिफाई वेयर इज द हेड एंड ऑफ द पेशेंट एंड वेयर इज द फुट एंड ऑफ द पेशेंट एंड वेयर यू आर स्टैंडिंग। इन लैप्रोस्कोपी यू विल बी स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेशेंट। लेफ्ट साइड पे खड़े होकर नंबर टू उसका पोजिशन ऑफ द पेशेंट फॉर द प्राइमरी ट्रोकार और फॉर द वेरियस नीडल इंसर्जन, उसमें पोजिशन ऑफ द पेशेंट शुड बी डॉर्सल लिथोटमी और प्राइमरी ट्रोकार के बाद यस वी ऑल नो पामर्स पॉइंट या आईएमएम वाली बातें कि पामर किधर है एटसेट्रा एटसेट्रा, बट वंस द प्राइमरी ट्रोकार इज इन एंड यू आर इन साइड द कैविटी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पामर से डाला है और मिड लाइन इज गोइंग टू बी योर सेकेंडरी ट्रोकार, तो उसके वो भी आपका डॉर्सल लिथोटमी में जाएगा, लेकिन पेल्विक ट्रोकार शुड बी इंसर्टेड इन द हेड डाउन पोजिशन विच इज द ट्रेंडलम वेंट्री। ठीक है, सॉरी आई नीड टू सॉरी म्यूट एवरीवन। ठीक है, तो ये बहुत ही क्विकली मैंने आपको कराया है क्योंकि हर एक ने वहां पे फेस करना है, और अगर आप वहां पर जाकर ही इस बात पे कंफ्यूज हो जाओ कि वेयर यू आर स्टैंडिंग एंड वेयर इज द एंड वेयर इज एक्चुअली द हेड एंड ऑफ द पेशेंट, और आप अलग जगह जाके खड़े हो जाओ एंड देन वहां पर जाकर आप रियलाइज करो कि मैं तो राइट साइड पे खड़ी हूँ, पामर पॉइंट इज ऑन द लेफ्ट साइड, और फिर वहां से घूम के लेफ्ट पे आ रहे हो, तो आपका एक तो टाइम भी वेस्ट होगा। सेंसिबल लोग वहां से भी वाइवा संभाल लेंगे, बट मेजोरिटी विल गेट कंफ्यूज क्योंकि एग्जाम का और ही बड़ा खतरनाक सा होता है। ठीक है, सो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि आपने जरूर याद रखनी है। ठीक है, उसके अलावा आई थिंक मोर देन दैट एंगल के ऊपर आप लोगों को कंफ्यूजन थी। एंगल में यस, फार्मर्स के ऊपर 90 डिग्रीज पे जाओगे, मिड लाइन में भी जैसे कि अम्बलाइकस है उसके अंदर आप 45 डिग्रीज विद द बॉडी ऑफ द पेशेंट या विद द हॉरिजॉन्टल सर्फेस जाओगे। बहुत ही मुश्किल बात है कि अगर कोई आपसे ये सवाल करे कि वाई नॉट 90 डिग्रीज, तो उसका एक कॉन्सेप्ट है जो लास्ट टाइम मैंने आपको दिया था, आई होप कि रिकॉर्डिंग में भी होगा या यूट्यूब पे इन्होंने अपलोड कर देंगे। उसके अंदर आप जब व्हेन यू एलिवेट द स्किन ऑफ द पेशेंट इन फ्रंट अम्बिलिकल एंड यू आर गोइंग थ्रू द अम्बिलिकस, तो आप हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्रीज पे होते हो, लेकिन स्किन ऑफ द पेशेंट के साथ आपका 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा होता है। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात है, ना भी समझ आए तो कोई बात नहीं, बस ये याद रख लो कि अम्बिलिकस पे 45 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल सर्फेस और पामर पे 90 डिग्रीज है। ठीक है, एंट्री। उसके अलावा और कोई सवाल? मैम, जब हम निमो पेरिटोनियम क्रिएट करते हैं तो उसमें हमारे पास इनसे डिस्टेंस जो है ऑर्गन्स का कितना एमएम ऑफ मर्करी, अगर हम गैस इंक्रीज करते जी सेंटीमीटर में डिस्टेंस, आई विल टेल यू डिस्टेंस डज नॉट मैटर एट ऑल। आप दुनिया की जो मर्जी गाइडलाइन उठा लो, आप जो मर्जी स्टडी उठा लो, इट इज द प्रेशर ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी व्हिच मैटर्स। Initially for the primary trocar insertion guidelines के मुताबिक भी, जो because guidelines बहुत पुरानी है इसलिए मैं बहुत ज्यादा RCG guideline की बात नहीं कर रही होती 2008 की, but there are many many good latest articles available,
लेटेस्ट गाइडलाइंस अवेलेबल, जो 20 से 22 के बीच में बहुत आर्टिकल्स आए हैं, बहुत स्टडीज हैं अबाउट द लेप्रोस्कोपी इन गार्निंग. सो उन इसलिए आई थिंक जीटीजी से ज्यादा रेलेवेंस उन आर्टिकल्स की है इस जगह पर, क्योंकि जीटीजी 2008 की है. सो अकॉर्डिंग टू ऑल द लेटेस्ट स्टडीज, जो उन्होंने प्राइमरी ट्रोकार इंसर्जन के लिए कहा है, इट्स अराउंड 20 to 25 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी जो आप प्राइमरी ट्रोकार इंसर्जन के लिए करते हो, और सर्जरी के दौरान 15 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी इज एडिक्वेट. इवन 12 to 15 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी इंट्राब्डोमिनल प्रेशर इज एडिक्वेट. प्रेशर इज इंपॉर्टेंट, नॉट द डिस्टेंस. वंस you have created around 20 millimeters of mercury pressure in the abdominal cavity, chahe patient jitna marzi obese ho. Obesity is in the abdominal wall, it's not in around the viscera, or it's not inside the peritoneal cavity. Obesity is above the peritoneum, which is in the abdominal wall. Once you are inside the peritoneal cavity and pressure is created of 20 millimeters of mercury, itna achha distance create ho jata hai, gut aur viscera sare niche chale jate hain aur abdominal wall aise karke upar uth jati hai, aur in between you can easily put in your instruments. And once you are inside the cavity, when your camera is in, jaise ki main hamesha kehti hu, ek dafa primary trocar dal jaye aur camera dal jaye, to almost it's all the difficult thing is over actually. Har cheez aapke haath mein hoti hai because aap puri duniya andar nazar aa rahi hoti hai. So once you are in, you don't need 20 or 25 millimeters of mercury pressure. Aap usko 15 millimeters of mercury pe bhi rakh sakte ho and you can do the whole surgery. And that's exactly what the latest articles also say. ठीक है मैडम, जो मीडियम हम यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उससे क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, वही क्यों यूज हो रहा है? यस, नंबर वन, चीपेस्ट, इजीली अवेलेबल. अच्छा, द थिंग इज के ये जो डिस्टेंशन मीडिया यूज होते हैं इसके अंदर, लैप्रोस्कोपी में भी और हिस्टरोस्कोपी में भी, हर मीडियम की डिफरेंट क्वालिटीज है. बहुत ज्यादा इसकी डिटेल में वैसे जाने की जरूरत नहीं है. कार्बन डाइऑक्साइड इज गुड इन लैप्रोस्कोपी, इट गिव्स यू वेरी गुड विजन. सॉरी, it gives you very good vision, number one. Number two, it is sorry, ye mujhe na emergency zara call aa rahi hai, I'll bear mujhe bas ek minute. हाँ जी, आई एम सो सॉरी. अच्छा, सो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है डिस्टेंशन मीडियम का. सो कार्बन डाइऑक्साइड, इट गिव्स वेरी गुड विजन, नंबर वन. नंबर टू, इट इज डिफ्यूजेबल गैस, ये इजीली बॉडी से क्लियर आउट हो जाती है. दूसरा डिस्टेंशन मीडियम जो लेप्रोस्कोपी के अंदर यूज होता है एब्डोमेन को डिस्टेंट करने के लिए, न्यूमोपेरिटोनियम के लिए, दैट्स नाइट्रस ऑक्साइड N2O. और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बेसिकली, N2O, इट इज, इट कैन आल्सो बी यूज्ड विद इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन इसके दो नुकसान है. एक तो ये कि इसकी इजी अवेलेबिलिटी थोड़ी सी मुश्किल है. नंबर टू ये कि इट्स नॉट दैट डिफ्यूजेबल एज कार्बन डाइऑक्साइड. इसकी इवैक्यूएशन या इसका रिमूवल फ्रॉम द बॉडी इज स्लोअर. नंबर थ्री ये कि ये कंबस्शन बहुत ज्यादा कॉज करती है एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड.
बहुत प्रोलॉन्ग लैब सर्जरी के अंदर हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यूज नहीं कर सकते. सो कार्बन डाइऑक्साइड इज इजिली अवेलेबल, इट्स वेरी चीपर. एक अच्छी बात यह है कि इट कैन इजिली बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी. जो नुकसान कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है वो ये है कि ये कार्बोनिक एसिड बनाता है और कार्बोनिक ऑक्सीजन के साथ मिलकर. कार्बोनिक एसिड से पीएच में थोड़ा सा फर्क आ सकता है बॉडी में. नंबर टू, इससे पेन इफेक्ट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. उसकी वजह यह कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हैज गॉट सम हाउ फाउंड टू बी हैविंग अ बेटर एनर्जेटिक इफेक्ट. ये थोड़ा सा इसकी कंपैरेटिव बातें हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है. आपके लिए ये जरूरी कि कार्बन डाइऑक्साइड इज द डिस्टेंशन मीडियम, इजिली अवेलेबल, कैन इजिली बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, लेसर कम्बस्टन एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. और लेकिन हाउ एवर ये पीएच के ऊपर अफेक्ट कर सकता है. नंबर टू ये कि अगर आप इसको इजिली, मतलब इट शुड बी इवैक्यूएटेड फ्रॉम द एब्डोमेन या पेरिटोनियल कैविटी एट द एंड ऑफ द प्रोसीजर, क्योंकि इफ इट रिमेन्स देयर इट विल कीप ऑन इरिटेटिंग द डायफ्राम एंड द पेन कैन परसिस्ट फॉर मोर देन 24 आवर्स आफ्टर द सर्जरी. एंड और डायफ्राम इरिटेशन से रेफर्ड पेन होती है, शोल्डर टिप पेन, वेगल नर्व की. ठीक है, this is the whole statement you need to know about the distension medium of laparoscopy. hysteroscopy aaj hum karenge uske distension medium mein aapko aaram se batati hu. aur koi question madam? aur jab hum bata dein port se nikalte hain, pehle hum secondary port nikalenge, uske baad fir hum jo hai carbon dioxide ko wo karenge, fir hum primary port nikalenge. to jab hum port nikalenge At the end of procedure, removal of ports. At the end of procedure, removal of ports better done under vision. Primary port सबसे पहले ही निकलेगा. देखो primary, for example, camera is in the umbilicus. For example, that was our primary port. आपने under vision secondary ports निकाल देने. Under vision क्यों? क्योंकि साथ उसके कोई घटना बाहर को आ रही हो या कोई और को दरअसल you know trauma ना करता हो वो निकल रहा हो. तो till the end, till the port is completely removed, you need to remove it under vision. Number one. Number two, ये गैस कब निकालनी है? जब आपके दो या तीन सेकेंडरी पोर्ट सारे निकल जाएंगे, नाउ द कैमरा इज रिमूव्ड एंड योर मेन प्राइमरी पोर्ट, व्हिच जो कैमरे वाला पोर्ट कैन बी 5 mm और 10 mm. इफ इट वाज 10 mm और इट वाज 5 mm, आप उस पोर्ट को अंदर ही रहने दोगे, लेकिन उसका एग्जिट पॉइंट खोल दोगे. एग्जिट पॉइंट खुलेगा तो वहां से पहले आप सारी गैस को निकालोगे. ठीक है, और यू विल अलाउ द एब्डोमेन टू कोलैप्स और एब्डोमेन नॉर्मल अपनी पोजीशन में आए और आप उस पोर्ट को खोल के सारी आपने गैस निकाल दी. व्हेन यू आर श्योर दैट द एब्डोमेन इज कोलैप्स्ड कंप्लीटली, फिर आप उसके प्राइमरी पोर्ट को भी निकाल दोगे. थैंक यू मैम. यू आर वेलकम. मैम सेफ ट्रायंगल का बता दें. किसका? सेफ ट्रायंगल. सेफ ट्रायंगल इज इन द आर्टिकल्स आल्सो. ये बड़ा, ये इसके अंदर आपको एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की एनाटॉमी का पता होना चाहिए, जो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स और उसका वो थोड़ा सा आप देख लेना. आई विल सेंड यू द डायग्राम ऑफ इट एज वेल. ये टॉग आर्टिकल है इसका, ये अच्छा पॉइंट आज. ये दो टॉग आर्टिकल्स आप इसके अगर पढ़ जाओ तो बहुत अच्छा होगा. एक तो यही एंट्री पोर्ट से रिलेटेड जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल या वेस्कुलर, ये मैं आपको दोनों टॉक आर्टिकल्स भेज दूंगी. एक तो वेस्कुलर इंजरी, शायद मैंने एक भेजा भी था आपको, ये एनर्जी रिसोर्सेज इन लैब सर्जरी वाला, आई गेस भेज चुकी हूँ मैं शायद. मैम भेजा था लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा था, बहुत मुश्किल था. क्यों? वो आना चाहिए. एक तो वो वाला टॉक आर्टिकल है, दूसरा एक है आपका ये वाला जो अभी डॉक्टर राजिया ने क्वेश्चन किया, सेफ ट्रायंगल. उसके अंदर बड़ी जबरदस्त है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की एनाटॉमी की पिक्चर बनी हुई है, और साथ वो वैसे आसान है टॉक आर्टिकल कंपैरेटिवली. और अगर एक तीसरा पढ़ना चाहो वो गाइडलाइन है लैब सर्जरी इन प्रेगनेंसी. ये तीन है जो लैप्रोस्कोपी से रिलेटेड है, जो अगर पढ़ जाओ तो शायद. लेकिन जो मैंने आपको भेजा था एनर्जी रिसोर्सेस का, आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट वो इतना वो आना आ जाए, क्योंकि अगर एग्जाम में एनर्जी रिसोर्सेज से सवाल हुआ तो इफ यू हैव नॉट रेड दैट टॉक आर्टिकल तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको हैंडल करना स्टेशन को. मैम उसके अंदर जो है इम्पोर्टेंट, बहुत मैं आपको भी बता देती हूँ, क्योंकि वो मैं भी बता देती हूँ. एग्जैक्टली मैं आपको और इस तरह की बातें टेक्निकल नहीं करनी. मैं यही आपको, ये बिल्कुल बहुत अच्छा आइडिया आयशा ने दिया, उसमें से 5 मिनट की बातें हैं जो मैं आपको भी बता दूंगी, और आई थिंक दैट विल बी मोर देन एनफ फॉर यू. उससे ज्यादा ना करना. ठीक है, थैंक यू.
ठीक है, तो वो वाला टॉक आर्टिकल जल्दी से मैं आपको क्विकली उसके 5-6 बातें, क्योंकि वो बात आपकी ठीक है, उसके अंदर कुछ इतनी डिटेल चीजें हैं जो कि वो तो अभी ये बायपोलर मोनोपोलर वोल्टेज फिजिक्स एटसेट्रा एटसेट्रा, वो भी ना आपके पास टाइम है करने का, ना उस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत है, वरना 1 या 2 दिन सिर्फ उसी पर लग जाएंगे और वो उस तरीके से फायदा भी नहीं है, ठीक है। उसमें से क्विकली मैं आपको भी बता देती हूँ, और जो सेफ ट्राइंगल वाली बात नाजिया ने किया वो वाला भी मैं आपको भेज दूंगी टॉक आर्टिकल, लेकिन वो बहुत इंटरेस्टिंग है, इट्स बेटर देन द प्रीवियस वन। सेकेंडली उसके अंदर इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की एनाटॉमी और ओनली रिलेटेड टू द लैप सर्जरी मेंशनड है, और इंफीरियर एपी उसमें कुछ मेजरमेंट्स हैं कि 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड लाइन आप उससे लैटरल रहोगे और तो यू विल बी सेफ फॉर द सेकेंडरी ट्रोकार एंट्रीज, तो वो भी मैं आपको भेज दूंगी। जो आयशा ने कहा है ये वाला, इसके अंदर बहुत थोड़ी सी चीजें, देखो जैसे मैंने आपको पता नहीं लास्ट टाइम बात हुई थी या नहीं हुई थी, बट मैं आपको भी बता देती हूँ, किसी ने मेंशन किया था, मैंने क्विकली आपको बताया था लेकिन उसकी थोड़ी सी डिटेल। जो एनर्जी रिसोर्सेज होती है लैप सर्जरी में और ओपन सर्जरी में भी, हमें पता है ओपन सर्जरी में मोनोपोलर और बायपोलर होता है, जो मोनोपोलर है यू नो वैसे लैप सर्जरी में मोनोपोलर दुनिया भर में ऑब्सोलीट हो गया, इंडिया पाकिस्तान में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है बिकॉज इट्स सो चीप एंड इट इज आल्सो वेरी इफेक्टिव, बट इट हैज गॉट मोर हैजर्ड्स, दैट्स व्हाई वो अब दुनिया में उस तरह नहीं अवेलेबल। बट सो वी हैव दिस मोनोपोलर, वी हैव दिस बायपोलर। जो एडवांस्ड इलेक्ट्रोसर्जिकल डिवाइसेज हैं जिसके अंदर लिगेश्योर या ईश्योर विच इज द सेम थिंग या हारमोनिक है, ये वो डिवाइसेज हैं जो कि एडवांस्ड है, इसके अंदर जो लिगेश्योर है वो भी बायपोलर है और जो हार्मोनिक है ना तो वो बायपोलर है ना ही वो मोनोपोलर है, वो मैकेनिकल डिवाइस है, ठीक है। ये 4 चीजें आपने लैब सर्जरी में, मोनोपोलर वी नो सेम मैकेनिज्म एज इन ओपन सर्जरी, द करंट इज कमिंग फ्रॉम द एनर्जी रिसोर्स डिवाइस या अडेप्टर कह लो, और उसके बाद वो जाता है वहां से सर्किट के थ्रू इलेक्ट्रोड में, इलेक्ट्रोड से बॉडी में और फिर बॉडी पूरी में से गुजर के वापस, राइट। सो द करंट इज कमिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रोड टू द टारगेट एरिया एंड देन इट इज गोइंग फ्रॉम द होल बॉडी एंड देन सॉरी मैं थोड़ा सा सेकंड लगता है, एनर्जी रिसोर्स टू द होल बॉडी देन टू द टारगेट टिश्यू एंड देन गोज बैक फ्रॉम द बॉडी टू द इलेक्ट्रोड टू द सेकेंड इलेक्ट्रोड, जो कि इलेक्ट्रोड प्लेट लगी होती है बॉडी के ऊपर, एंड देन टू द एनर्जी रिसोर्स डिवाइस। इसके अंदर नुकसान क्या होता है, इसके अंदर नुकसान ये होता है कि करंट जब हमारा बॉडी में से गुजर के आ रहा है इलेक्ट्रोड के अंदर और फिर पूरी बॉडी से गुजर के एनर्जी रिसोर्स पे पूरा जा रहा है, तो आपका करंट डिस्टेंट एरिया के ऊपर जाकर भी अफेक्ट कर सकता है, जैसे कि हमने देखा है ड्यूरिंग आर ओपन सर्जरीज एज वेल के डिस्टेंट साइट इंजरी हुई होती है, जैसे कि कोई बर्न इंजरी हुई होती है बॉडी के ऊपर, सर्जरी पेल्विस में हो रही है लेकिन बर्न का निशान बन गया उसका बैक पे या उसका इवन बैक चेस्ट पे, या वो क्यों हो जाता है, या जो ECG इलेक्ट्रोड्स हैं उसके ऊपर जाके कॉन्सेंट्रेट हो गया करंट, विच इज वेरी वेरी डेंजरस। वो इसलिए होता है क्योंकि जब करंट पूरा का पूरा बॉडी में से गुजर के आ रहा है तो वो अपना एक कॉन्सेंट्रेटेड एरिया दूसरा भी आइडेंटिफाई कर सकता है, जरूरी नहीं है कि वो एक्टिव इलेक्ट्रोड को ही के ऊपर ही जाके कॉन्सेंट्रेट करे। इसीलिए जब हम पेशेंट को सर्जरी के लिए शिफ्ट कराते हैं तो वी रिमूव ऑल द मेटालिक थिंग्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी, या फिर हम उसको ख्याल कर रहे होते हैं कि व्हेन शी इज लाइंग ऑन द टेबल तो कोई भी मेटालिक चीज, कई दफा हमारी लिथोटमी टेबल के पोल्स, लेग के पोल्स या शोल्डर सपोर्ट के पोल्स या हैंड रेस्ट या इवन ECG इलेक्ट्रोड के ऊपर कोई मेटालिक चीज, वो चीज डायरेक्ट बॉडी के ऊपर टच ना करी हो, क्योंकि मोनोपोलर के अंदर जब पूरा करंट आएगा वो अगर कोई और मेटालिक चीज को आइडेंटिफाई करके वहां पे पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा तो एक बर्न इंजरी आएगी, बिकॉज जब एक हाई वोल्टेज एक जगह पर आती है तो देर आर डिफरेंट टेम्परेचर्स के 60 डिग्री पे जाके कोएगुलेशन हो जाएगी, 100 पे कटिंग हो जाएगी, तो वो इतना और स्पेशली इवन मोर देन 100 आई थिंक 200 डिग्री के ऊपर जाके तो उसे ब्लैक कोएगुलेशन कहते हैं, यानी कि वो इतना ज्यादा फल्क्रेशन बहुत ही बुरा इफेक्ट आएगा उस टिश्यू के ऊपर, वो सही बर्न इंजरी होगी। सो मोनोपोलर हैज गॉट दिस हैज़र्ड कि वो डिस्टेंट टारगेट से डिस्टेंट ऑर्गन इंजरी भी कर सकता है। सिमिलरली लैप सर्जरी में भी यही कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोपोलर। इसके अंदर सिर्फ फर्क ये है कि इसके अंदर हमने इंस्ट्रूमेंट पूरा का पूरा डाला हुआ है कैविटी के अंदर, यूं करके ये हमारी वो है पेरिटोनियल कैविटी है,
और ये वॉल है, इसके अंदर जब मैंने ये इलेक्ट्रोड ये मोनोपोलर का डाला हुआ है जिसको हम एल हुक कहते हैं इंस्ट्रूमेंट को लैब सर्जरी वाले, तो यहाँ पर एक हुक की तरह का लूप होता है विच इज द मोनोपोलर। एक्चुअली करंट जब पूरी बॉडी से आके इसमें से गुजरता है और फिर जब वापस जाता है पूरी बॉडी में से सर्किट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रोड और फिर कॉटरी प्लेट और फिर उधर से रिसोर्स एनर्जी तक, तो दैट नाउ इट कैन कॉज दिस टाइप ऑफ इंजरी के वो डिस्टेंट इंजरी कर सकता है, बट इट इज अ क्विक प्रोसीजर। ये बहुत क्विक है, इसके अंदर बहुत थोड़ा एक्सपर्टीज ज्यादा चाहिए वेन यू आर यूजिंग मोनोपोलर, और इसको काटते हुए आपको इट कैन कॉज बर्न नॉट ओनली एट अ डिस्टेंट प्लेस बल्कि क्योंकि वो एक एल्हू की है, अगर हल्का सा ही आपका फॉर एग्जाम्पल ओवरशूट होता है इंस्ट्रूमेंट और यूं करके यूं जाता है, तो इंस्टेड ऑफ लाइक अगर आप वॉल्ट अंदर काट रहे हो और एकदम से वो ओवरशूट होता है तो ऊपर आप ब्लैडर को भी फिर बहुत बुरी इंजरी दे सकते हो, विच इज सो दैट्स वाइज के अंदर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है ज्यादा। नंबर टू बाइपोलर, सेम कॉन्सेप्ट एज मोनोपोलर, सिमिलरली एनर्जी इसके अंदर दो लूप्स होते हैं यूं करके, और इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द होल बॉडी यहाँ से आता है क्या कहते हैं करंट टू दिस इलेक्ट्रोड, ये मेरा टारगेट टिश्यू है, और ना सिर्फ ये कि ये यहाँ से गुजर के इसको कोएगुलेट करेगा बल्कि ये दूसरे इलेक्ट्रोड पे जाके फिर यहाँ से इसका सर्किट पूरा हो जाएगा और पूरी बॉडी में से या इलेक्ट्रोड प्लेट में से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर टू ये कि बिकॉज इट हैज गॉट अ टोंग लाइक लुक, सो इससे मैं कंप्रेस भी कर सकती हूँ टिश्यू को, यहाँ बीच में मेरे टिश्यू है और यूं करके भी पकड़ सकती हूँ, एंड व्हेन आई एम होल्डिंग इट लाइक दिस, सो नंबर वन इफेक्ट टू कॉज हीमोस्टेसिस इज कंप्रेशन, कंप्रेशन इटसेल्फ से अच्छा इफेक्ट आता है, एंड देन आई एम होल्डिंग द टिश्यू मींस के ओवरशूट के चांसेस कम है, और इस वजह से एंड देन द करंट इज पासिंग ओनली थ्रू द टारगेट एरिया एंड नॉट थ्रू द होल बॉडी, सो इट इज मच 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 बेटर देन मोनोपोलर। सो ये हो गया बाइपोलर। मैंने उसके बाद कहा कि लैब सर्जरी की एडवांस इलेक्ट्रोसर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं लिगेशोर एंड हार्मोनिक, बहुत ज्यादा आपको इसकी डिटेल पता होनी जरूरत नहीं है, हाउ एवर यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई इट, गूगल पे जाके लिगेशोर लिखो शक्ल आ जाएगी, देख लो ओके दिस इज लिगेशोर, हार्मोनिक लिखो वो आ जाएगा। सो लिगेशोर इज अ बाइपोलर, वो बाइपोलर मैकेनिज्म यूज करता है, ठीक है, इसके अंदर पीछे से एनर्जी इज रिसोर्स आती है, दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज देन कन्वर्टेड इनटू, इसका जो अडेप्टर है ना वो पीछे लगा होता है इसके, इसलिए इतना थोड़ा मोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है देखने में, और वहां पर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज देन कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, और इसके भी आगे से दो टोंग्स होते हैं और वो जाकर टिश्यू को यूं करके पकड़ लेते हैं, एंड इट्स अगेन द बाइपोलर। इसके अंदर अच्छी बात ये है कि जब आप पीछे से इसका बटन प्रेस करते हो और वो बाइपोलर कर रहा होता है यानी कोएगुलेट कर रहा होता है, तो the instrument has ability to get to know when your function is done, yani ye khud ba khud band ho jayega, ye non stop nahi heat karta rahega, ye non stop coagulate nahi karta rahega, awaaz aayegi toon 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 toon, piche se aapne button dabaya hua hai chahe aap daba hi rakho, ek level pe aake toon 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 band, khud ye band ho jayega, jab iska khud hi pata chalega it will pick the ability, it will pick that point ke jab टिश्यू के ऊपर हीट होके फाइब्रोसिस हो गया वेसल में, तो इसको अंदाजा हो जाएगा कि द सेल बिकॉज इंट्रासेलुलर जिस तरीके से हीट एनर्जी से वेपराइजेशन होती है और फिर कोएगुलेशन होती है, इट विल गेट टू नो दैट पॉइंट कि जब वो थ्रोम्बोसिस या जिस जब वो फाइब्रोसिस हो गया वेसल का तो ये खुद ही बंद हो जाएगा। सो इट्स अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट फॉर द बिगिनर्स। नंबर टू जब वो टू टू करके जब ये बंद हो जाएगा तो इसके अंदर एक और फैसिलिटी है कि आप एक और बटन प्रेस करते हो तो इसका ब्लेड निकलता है एंड इट कैन कट दैट थिंग एज वेल। सो फॉर एग्जांपल हिस्टरेक्टमी में जब आप राउंड लिगमेंट कर रहे हो या आप ट्यूबो वेरियन को कर रहे हो या आप जिस तरह कर रहे हो तो आप कोएगुलेट कर रहे हो राउंड लिगमेंट को, आपने बटन प्रेस किया लिगेशोर का टू 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 खुद ही बंद हुआ, आपने बटन प्रेस किया ब्लेड निकला राउंड लिगमेंट कट गया, सो साथ साथ आप कोएगुलेशन कर रहे हो साथ साथ कटिंग कर रहे हो इसके अंदर, ऑल दो इसके अंदर आप बहुत एक्स्ट्रा हीट नहीं करी जा रहे बिकॉज ये खुद ही बंद हो जाता है, सो इट्स अ गुड इंस्ट्रूमेंट। नंबर फोर इज द हार्मोनिक, हार्मोनिक इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी ब्यूटिफुल इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली, ये भी कोएगुलेशन और कटिंग दोनों करता है। सॉरी मैं इसको प्लीज म्यूट रखो, आप लोग अपने आप को
ये भी, सॉरी मैंने म्यूट किया, किसने बोला था प्लान म्यूट करने? मैम मैंने बोला था, मैं बस एक क्विक क्वेश्चन, जो आपने अभी सारा बताया कि जो ब्लेड वाली चीज थी के पीछे से ब्लेड निकलता है, वो आप आर यू टॉकिंग अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ बाइपोलर या फ्लिकरशोर की बात कर रही थी? सिर्फ फ्लिकरशोर। ओके ठीक है, बाइपोलर तो एक मासूम बाइपोलर है, जैसे ओपन में नहीं हम यूज करते, मोनोपोलर ज्यादा यूज होता है, लेकिन ओपन में भी बाइपोलर अवेलेबल होता है अगर आप करना चाहो। लेकिन जो है क्या उसे कहते हैं दूसरा, लैप सर्जरी में, लैप सर्जरी के अंदर लिगेशोर है, लिगेशोर, हाँ लिगेशोर वैसे अब ओपन में भी आ गई में, बिकॉज इसमें फर्क क्या होता है, लैप सर्जरी का लिगेशोर इतना लंबा होता है, बहुत लंबा होता है, क्योंकि उसने बॉडी के अंदर जाना होता है, ओपन सर्जरी का इतना सा होता है, बट द सेम मैकेनिज्म, साथ साथ हिस्टेरेक्टमी आप लिगेशोर से करो ओपन ओपन सर्जरी में, बहुत मजा आता है, आपने वो उस तरह से क्लैंप्स लगा के बीच में कट करके सूचरिंग नहीं करनी होती, फिर आप सिर्फ लिगेशोर से पकड़ते हो, ऑन करते हो, बाइपोलर हुआ, कोएगुलेट हो गया, साथ ही आपने वो किया बटन प्रेस किया तो वो कट भी हो गया, इस तरह आप लिगेशोर और ऐसे करते जाते हो, ठीक है। सो लिगेशोर इज एक्चुअली अवेलेबल फॉर बोथ ओपन एंड लैप सर्जरी, हाउएवर अभी ओपन में शायद इतना कॉमन हर जगह अवेलेबल नहीं, इट्स एन एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट है, ये एक्सपेंसिव मेंटेनेंस, या तो ये कोई सर्जन अपना पर्सनल रख ले, सो मेंटेनेंस और वो सब पब्लिक प्लेसेस में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में यही थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है, बट अगेन जो करने वाले हैं सर्जरी वाले भी तो करते ही है ना, उनके भी तो मेंटेन होते हैं इंस्ट्रूमेंट, उनके भी तो यूज उसी तरह हो रहे होते हैं, सो इट्स नॉट समथिंग इम्पॉसिबल, इससे भी कई की महंगी चीजें सरकारी अस्पतालों में भी यूज हो रही है, मेंटेन हो रही है, सो इट्स जस्ट एन इनिशिएटिव दैट नीड्स टू बी टेकन, और साथ में सीखने की बात है, और लोग सीख रहे हैं और काम हो रहा है और विल कंटिन्यू इंशाल्लाह बढ़ेगा भी। सो नंबर फोर्थ, हार्मोनिक, हार्मोनिक इज नॉट अ बाइपोलर और मोनोपोलर, इट इज अ मैकेनिकल डिवाइस एक्चुअली, हार्मोनिक लफ्ज निकला हारमोनियम से, ये याद कराने के लिए कह रही हूँ, जो हारमोनियम, हारमोनियम आपने सुना होगा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ऐसे ऐसे करके नहीं जाते ऐसे ऐसे करके, सो हारमोनियम में जिस तरह ऐसे ऐसे करके ऑसिलेशन का फिनोमेना यूज होता है, इसी तरीके से हारमोनिक इंस्ट्रूमेंट में भी ऑसिलेशन का ही प्रोसेस यूज होता है, जिसकी वजह से आपकी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एंड देन दैट हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, इज यूज्ड टू कॉज द कोएगुलेशन। इसके दो इस तरीके से होते हैं प्रॉन्ग्स, ठीक है, इस तरह से जैसे मैंने अभी अपनी फिंगर से बनाया है, उनमें से एक इनएक्टिव होता है और एक एक्टिव होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इनएक्टिव क्यों होता है ये मैं आपको क्विकली बता दूंगी, वैसे इतनी डिटेल में जाने की जरूरत होगी नहीं आपको, सो एक इनएक्टिव होता है एक एक्टिव, ये जो एक्टिव होता है ना इसके अंदर टेंडेंसी होती है ऐसे 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 बहुत तेजी से ऑसिलेट करने की, राइट, ऐसे 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 इतना तेज फ्रीक्वेंसी, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली द फिगर, देयर इज अ फिगर आल्सो मे बी 40,000 हर्ट्ज और मोर, यू नीड टू चेक एग्जैक्टली कि क्या फ्रीक्वेंसी है, इतना तेज कि एक ग्रॉस आंख नहीं आइडेंटिफाई कर सकती, इतनी तेज ऑसिलेशन होती है। सो व्हेनेवर हमने पीछे से एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई इसके अडैप्टर में, अडैप्टर में आके इट इज कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, दैट मैकेनिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन दिस स्टॉन्ग, और ये इतना तेजी से ऑसिलेट करता है कि उसमें से हीट निकलती है, एंड देन दैट हीट इज यूज्ड टू कॉज कोएगुलेशन, एंड इफ हायर वोल्टेज, इसके अंदर मिनिमम और मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट है, if higher voltage is used, the maximum voltage is used, it causes coagulation and cutting as well, theek hai, why the inactive prong, inactive isliye kyunki for example if you are cutting a valve with this harmonic, to active instrument valve katta ja raha hai, jo inactive hai usne upar se pakad ke compress kiya hua hai, inactive instrument can even lie on the bladder anteriorly, anterior part of the valve cutter, and when you are going posteriorly, the inactive prong can lie on the gut also, so as we know that it's inactive, it's not going to cause any trauma because it is inactive, to is wajah se wo koi wo nahi karta, kya use kehte hain, डेंजर नहीं करता ना, इट डजंट कॉज एनी कॉम्प्लिकेशन, ओनली द एक्टिव वन इज कॉजिंग ऑसिलेशंस एंड द हीट इज प्रोड्यूस्ड एंड कोएगुलेशन एंड कटिंग इज बीइंग डन, दिस हार्मोनिक डज नॉट हैव अ टेंडेंसी लाइक लिगेशोर टू गेट क्लोज्ड और टू गेट बी स्विच्ड ऑफ बाय इटसेल्फ, ये अगर आप प्रेस किए जाओगे तो ये नॉन स्टॉप कटिंग और कोएगुलेशन किए जाएगा,
ये अब आपने खुद करना है कि नाउ माय पर्पस इज डन, कोएगुलेशन हो गया, जैसे हम बाइपोलर अदरवाइज में करते हैं कि इट डजंट हैव टू पिक दैट थ्रेशोल्ड लेवल जब कोएगुलेशन अचीव हो गई है, सिर्फ लिगेश्योर में वो टेंडेंसी है. सो लिगेश्योर इज गुड फॉर द बिगनर्स ऑल्सो, इट्स सेफर, हाउएवर इट्स स्लोअर. हार्मोनिक इज अ फास्टर, वंस समबडी गेट्स स्किल्ड तो यस हार्मोनिक उसको ज्यादा शायद पसंद आए क्योंकि वो तेजी तेजी काट लेता है. लिगेश्योर जरा स्लो. इनमें एक और फर्क भी है, इन सारों में मोनोपोलर, बायपोलर, लिगेश्योर और हार्मोनिक में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है जो हमें बताता है कि किस जगह पर क्या यूज करना है. डायमीटर तक का अफेक्ट जो ये प्रोड्यूस करता है ताकि हमें पता हो कि मोटी वेसल में क्या यूज करना है, पतली में और खाली ऊजिंग में क्या. जो बायपोलर है जो सिर्फ कोएगुलेशन करता है, आम बायपोलर जो ओपन सर्जरी में भी यूज होता है, वो तकरीबन 8 mm भी नहीं बल्कि 5 mm, 5 mm तक की वेसल को वो कोएगुलेट करता है. यानी कि जहां आपको सिर्फ ऊजिंग नजर आती है वहां हम बायपोलर यूज करते हैं. जो हार्मोनिक है वो 8 mm से 10 mm तक, 10 mm का मतलब है 1 cm, सो 8 mm से 10 mm तक की वेसल, जैसे कि इवन राउंड लिगमेंट, ओवेरियन लिगमेंट, ब्रॉड लिगमेंट, ये चीजें आप हार्मोनिक से बड़े मजे से कर लेते हो. और इवन जो आपकी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एडिशंस होती हैं ओमेंटम की विद एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल या अदरवाइज एडिशंस जिसमें आपको कंपैरेटिवली स्मॉलर वेसल्स हैं, 8 mm टू mm टू 12 mm वाली, उसमें आप हार्मोनिक से साथ साथ कोएगुलेशन कटिंग करते जाते हो. वेयर कम्स द यूट्राइन, क्योंकि यूट्राइन बड़ी है, लिगेश्योर जो है वो 12 mm तक की वेसल को पकड़ता है. यूट्राइन जैसी वेसल में अगर आप हार्मोनिक या सिंपल बायपोलर यूज करोगे तो यू कैन एंड अप इन हैविंग हेवी ब्लीडिंग आल्सो, क्योंकि वो कंप्लीट कोएगुलेशन कॉज नहीं कर सकेगा, कंप्लीट डायमीटर ऑफ द वेसल को नहीं उसने पकड़ा होगा. इस वजह से जब आप इनकम्प्लीट कोएगुलेशन करके उसे कट करोगे तो फिर हैवी ब्लीडिंग हो सकती है. सो यूट्राइन के लिए आपको लिगेश्योर की जरूरत पड़ती है. सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो कि आपको थोड़ा सा बताना चाहिए. नाउ थोड़ी सी जल्दी क्विकली कॉम्प्लिकेशंस जो कि उस आर्टिकल में साथ ही दिया हुआ है, जो मैं आयशा ने कहा था कि क्विकली उसी का बता दे, उसके अंदर छोटी सी बातें कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लिकेशंस का. अगर मैं बताऊंगी आप लोगों को वो कॉम्प्लिकेशंस पहले ही पता होंगी या आपको कॉन्सेप्ट होगा, इट्स जस्ट दैट उन्होंने उन कॉम्प्लिकेशंस को शायद नाम दे दिया जिसकी वजह से हमें लगा कि वो बहुत ही कोई कॉम्प्लिकेटेड सी हो गई है. डायरेक्ट कपलिंग, ये मुझे थोड़े थोड़े नाम भी बता देना अगर मैं कोई मिस कर जाऊँ. डायरेक्ट कपलिंग, इनडायरेक्ट कपलिंग, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डिस्टेंट इंजरी या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, और एक कैपेसिटेटिव कपलिंग है, और एक इंसुलेशन इंसुलेशन फेलियर, राइट? यस, दीज आर द, आई डोंट थिंक आई हैव मिस्ड एनी कॉम्प्लिकेशन. ये कॉम्प्लिकेशंस के नाम है. अब जब मैं बताऊंगी तो आप कहोगे ये तो हमें पहले ही पता थी, सिर्फ उन्होंने नाम दे दिया, थोड़ी सी उस वजह से परेशान हम हो जाते हैं सुनते. जो डायरेक्ट इंजरी है या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है वो तो वही है जैसे हम मोनोपोलर यूज कर रहे हैं और ओवरशूट हो गया. मैं कर रही थी फॉर एग्जाम्पल वॉल्ट के ऊपर, मुझे झटका कोई लगा, या फिर कुछ होता है ना कई दफा पेशेंट का थोड़ा लाइट एनेस्थीसिया हो जाए या कोई खुद ही कोई हाथ उधर उधर लग जाए तो कोई कोई झटका हुआ एंड ओवरशूट हुआ इंस्ट्रूमेंट, तो माय मोनोपोलर गॉट मूव्ड फ्रॉम वॉल्ट टू ब्लैडर और ब्लैडर पे बर्न हो गया. सो दैट्स द डायरेक्ट इंजरी, यानी डायरेक्ट मेरे हुक ने जाकर इंजरी कर दी. उसके बाद है जी डिस्टेंट इंजरी, जिस तरह मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया कि वो पूरा करंट फ्लो कर रहा है बॉडी में से फिर जाके हमारे टारगेट पे आ रहा है मोनोपोलर में. तो जो डिस्टेंट इंजरी है अगर वो कहीं दूर अपना टारगेट या अपना हाई कॉन्सेंट्रेशन करंट एरिया आइडेंटिफाई कर लेगा तो वहां पर जाकर वो बर्न कर देगा. वो करंट ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहां कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी एंड इट विल प्रोड्यूस हीट एंड विल कॉज बर्न ऑन दैट पार्ट ऑफ द बॉडी. उसके बाद है जी और क्या है डायरेक्ट कपलिंग. कपलिंग का मतलब होता है दो दो चीजों का क्या हुआ. देखो जब हमने फॉर एग्जांपल मोनोपोलर या बायपोलर या हार्मोनिक लिगेश्योर कोई चीज अंदर डाली हुई है जो कि बर्न कॉज कर सकती है, ये मेरे एक पोर्ट में से गया, दूसरा मेरे पोर्ट से दूसरा इंस्ट्रूमेंट गया. अगर मेरा मोनोपोलर यहाँ बर्न कर रहा था और मेरे असिस्टेंट ने ग्रेस्पर फॉर एग्जाम्पल पकड़ा हुआ है और वो ग्रेस्पर जाके इसके एक्टिव इंस्ट्रूमेंट को लग जाता है एंड दैट ग्रेस्पर इज ऑल्सो मेटालिक, तो मेरा जो
मोनोपोलर है वो बिकॉज मेटालिक है मेरा ग्रेस्पर एंड इट इज टचिंग द एक्टिव पार्ट ऑफ द मोनोपोलर, तो वो करंट उस ग्रेस्पर को ट्रांसफर होएगा और वो ग्रेस्पर जिस भी जगह पर है, फॉर एग्जांपल कि मैं पेल्विस में काम कर रही हूँ एंड आई एम फॉर एग्जांपल यूजिंग मोनोपोलर, आई एम यूजिंग लिगेशोर और आई एम यूजिंग बायपोलर एंड माई अदर हैंड इज हैविंग दैट ग्रेस्पर एंड दैट ग्रेस्पर टचेज द एक्टिव इंस्ट्रूमेंट, एक्टिव इलेक्ट्रोसर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड अनफॉर्चुनेटली दैट ग्रेस्पर इज लाइंग एट अ प्लेस वेयर यूरेटर इज प्रेजेंट और वो डायरेक्ट करंट चला जाता है उस मेरे मोनोपोलर से ये उस ग्रेस्पर पे और ग्रेस्पर इज लाइंग एट द एरिया ऑफ द यूरेटर, देन ऑब्वियसली द इंजरी कैन अकर, सो दैट्स डायरेक्ट कपलिंग, यानी के इलेक्ट्रोसर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ डायरेक्टली एक और मेटालिक इंस्ट्रूमेंट जाके टच कर गया, सो दैट्स द डायरेक्ट कपलिंग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है ये जो मैंने आपको डिस्टेंट इंजरी की बात की है ना, उसको एंटेना कपलिंग भी कहते हैं, यानी कि एंटेना कपलिंग कैन अकर इन द इन दैट प्लेस, क्या कहते हैं, यानी कि डिस्टेंट एरिया में हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया आइडेंटिफाई कर लिया इलेक्ट्रिकल करंट ने और वहां जाके कॉन्सेंट्रेट हो गया और बर्न इंजरी कॉज कर दी। इंसुलेशन फेलियर, हमारे जितने भी इलेक्ट्रोसर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्शन वाला पार्ट अंदर होता है, उसके ऊपर एक इंसुलेटेड शीट होती है ताकि करंट जो है वो ऑब्वियसली मेटालिक एरिया से बाहर ना आए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा पेन है, इस पेन के ऊपर ये जो सारा ग्रीन पार्ट है, ठीक है, दैट ग्रीन पार्ट विल बी द इंसुलेटेड कवरिंग of or the insulated sheath of my instrument, inside will be lying my electrical part or the metallic part of the instrument jo ke electrical conductor hoga। इंसुलेशन की जरूरत इसलिए है क्योंकि जब एब्डोमन की ये कैविटी है और उसके अंदर मेरा इंस्ट्रूमेंट गया हुआ है तो दिस पार्ट शुड बी इंसुलेटेड ताकि जब करंट आ रहा है तो वो सिर्फ टारगेट पे आकर अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करे। अगर वो ये सारा एरिया जो इंसुलेटेड शीथ है इसमें ये इंसुलेटेड शीट नहीं होगी तो ये पूरा एरिया करंट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंडक्टर होगा और ये जहाँ कहीं टच हो जाएगा, क्योंकि ये हो सकता है कि आप गट लूप्स में से भी कई दफा गट लूप्स के ऊपर से जा रहे होते हैं, बट व्हेन द गट लूप इज लाइंग बिलो द इंसुलेटेड शीट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट तो फिर वो करंट से वो इंजरी नहीं होती, करंट सिर्फ इसके टिप के ऊपर आएगा जो कि नॉन इंसुलेटेड है और वो ताकि हीट प्रोड्यूस कर सके विद इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। सो इंसुलेशन फेलियर क्या होगा कि ये इंसुलेटेड शीट डैमेज्ड है, आपको पता नहीं लगा या ग्रॉस आंख ने पिक नहीं किया, वो इतना छोटा सुराख यहाँ पर हुआ है कि आप वो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो एंड यू डोंट नो दैट द शीट इज डैमेज्ड और उसके अंदर सुराख था और जब इलेक्ट्रिकल करंट आया अपना इफेक्ट तो वो जो प्रोड्यूस कर रहा है बट यू नेवर न्यू कि यहाँ पर भी एक सुराख था उसकी इंसुलेटेड शीट के ऊपर, तो वो वहां पे कोई घट पड़ी घट उसके पास थी या कोई और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इंस्ट्रूमेंट जैसे कि ग्रेस्पर अंदर था जिसने उस सुराख वाली जगह पर ही रखा हुआ था अपना इंस्ट्रूमेंट और टच किया हुआ था, बिकॉज इट्स मेटालिक पार्ट इज एक्सपोज्ड इनसाइड द बॉडी एंड द करंट इज बीइंग कंडक्टेड, तो डेफिनेटली इट कैन कॉज इंजरी, सो दैट्स इंसुलेशन फेलियर। कैपेसिटेटिव कपलिंग, कैपेसिटेटिव कपलिंग जो है ना वो एक रेयर चीज है टू हैपन, बट अगेन जो चीज भी किताब में दी गई हो ऑलवेज रिमेम्बर इट कैन हैपन टू एनीवन। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको कहा कि कॉम्प्लिकेशन कर देना इज नॉट एन इशू, आई होप अच्छा ठीक है आवाज ठीक आ रही है ना, म्यूट तो नहीं हो गया। सो आई वाज टेलिंग यू के कॉम्प्लिकेशन कैन अकर टू एनीवन, लेकिन कॉम्पिटेंस लेवल का क्वेश्चन तब आता है व्हेन यू आर अनएबल टू डायग्नोज इट एंड यू डोंट नो वंस डायग्नोज्ड व्हाट नेक्स्ट स्टेप यू आर गोइंग टू टेक and how the treatment should be done either by you or with another doctor or with the help or with referral. So jo cheez kitab mein likhi hai wo ho sakti hai, ye ek zindagi ka surgery ka usool hai ki jo kitab mein complication mentioned hai wo ho sakti hai aur kisi se bhi ho sakti hai. Similarly capacitative coupling is a very unpredictable and a very surprising thing that can happen, but again it's a rare thing. ये उस टाइम पे होती है जब करंट कोई अपनी रेंज से कुछ ज्यादा ही आप हाई वोल्टेज कर दो इन अनबिलीवेबली हाई वोल्टेज, उसमें होता क्या ये बड़ी एक अनहोनी बात है। देखो इंसुलेटेड शीट है इंस्ट्रूमेंट के इर्द गिर्द, बीच में मेटेलिक रॉड है या मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट है,
जिसके ऊपर इंसुलेटेड शीट है। करंट हमारा एनर्जी रिसोर्स से आया, मेटेलिक पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट में से गुजर रहा है जो कि कवर्ड है विद द इंसुलेटेड शीट। वो करंट वोल्टेज इतनी हाई हुई कि ये जो मेटेलिक पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है उसमें इतनी हाई एनर्जी जाकर जमा हो गई कि जो इंसुलेटेड शीट है उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई इंसुलेशन इंसुलेटेड रहने की, यानी इट गोज आउट ऑफ इट्स कैपेसिटी एंड द करंट डिस्पाइट दिस इंसुलेशन कम्स आउट ऑफ दैट शीट। सो दैट कॉजेज द कैपेसिटेटिव कपलिंग। इतना हाई करंट गया उस इंसुलेटेड उस मेटेलिक रॉड में से कि उसके इर्द गिर्द जो इंसुलेटेड शीट है उसकी उससे बियॉन्ड हो गया एंड देन इट जस्ट द हीट कम्स और दैट इलेक्ट्रिक फ्रॉम दैट इलेक्ट्रिकल पार्ट इट द कैपेसिटी सराउंडिंग ऑफ द इंसुलेटेड शीट सराउंडिंग दैट मेटेलिक पार्ट इज नाउ क्रॉस्ड एंड that heat or that current causes this much heat that it then comes out of that insulated thing and the capacitative coupling occurs. Anything that is coming in contact with even with the insulated part of that instrument or even another metallic instrument, for example a grasper, is coming in direct contact with the insulated part, but because its capacity of that insulated sheath is now beyond that thing, तो वो उसमें से क्रॉस किया एंड द कैपेसिटेटिव कपलिंग अकर्स एंड द डैमेज ऑफ द सराउंडिंग विसरा और एनी कॉम्प्लिकेशन कैन अकर। सो ये हो गई कैपेसिटेटिव कपलिंग। तो ये इतना सा, ये छोटी छोटी चीजें हैं। इसमें अगर कुछ आपने मोटे मोटे फिगर्स याद करने हैं कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड में क्या हो रहा है, ये एमसीक्यू की ज्यादा बातें हैं। वैसे ये टॉक्स या वाइवा वाली जितनी है नहीं, वो देख लेना, इसी टॉक आर्टिकल में है। बहुत ज्यादा वेव्स याद करने की जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा वो भी, ये सिर्फ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं कि शायद स्टेशन के एंड पे एक आधा सवाल इससे रिलेटेड हो जाए क्योंकि वहाँ की बनी होती है और की में फिर आपको सारे सवालों के जवाब आने चाहिए। दो तीन मोटे मोटे के 60 डिग्रीज पे वाइट कोएगुलेशन होती है, 100 डिग्रीज पे कटिंग होती है, 200 डिग्रीज पे ब्लैक कोएगुलेशन होती है डिग्री सेंटीग्रेड में। सो ये आप थोड़ी सी ये वाली मेजरमेंट्स का भी टेबल बना हुआ है वो देख लेना। बाकी मैंने आपको बता दिया मोर लेस किस डायमीटर में किस इंडिकेशन में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना है। और ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, इसमें से 90% बातें शायद आपको पहले ही पता थी। इट्स जस्ट दैट द नेम्स आर अ बिट डिफरेंट कि फलाना कपलिंग ये वो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंटेना कैपेसिटेटिव इंसुलेशन फेलियर। हालांकि कॉन्सेप्ट आप लोगों को ये ओपन सर्जरी से भी है। सो वेरी फ्रेंकली ओपन सर्जरी जो लोग कर रहे हैं और जो तो बहुत एक्सपर्ट भी अगर है तो आई एम टेलिंग यू उनके लिए लैब सर्जरी इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो इट्स अ पॉइंट ऑफ सॉर्ट ऑफ इंकरेजमेंट फॉर एवरी वन ऑफ यू के अगर आप लोग इंशाल्लाह ओपन सर्जरी के एक्सपर्ट हो गए हो या होने वाले हो तो इसको कोई बहुत हवाई चीज ना समझो लैब सर्जरी को, ठीक है? क्योंकि अभी देख लो कॉन्सेप्ट वही है सारे। जी फातिमा। मैम ये जो आपने टॉक भेजा था, आई रिमेम्बर आपने भेजा था लेकिन आई कांट फाइंड इट राइट नाउ, आप फिर से भेज देंगी? मैं ये भी भेज दूंगी। मैं वो अभी हमें जो कॉर डॉक्टर ने बड़ा अच्छा सेफ ट्रायंगल वाली बात की, नॉट एग्जैक्टली आई डोंट नो टर्म सेफ ट्रायंगल यूज हुआ है या नहीं, लेकिन सेफ ट्रायंगल इज ऑल द कॉन्सेप्ट अबाउट द पॉइंट्स वेयर यू आर यू कैन सेफली एंटर द ट्रोकर्स। ये सवाल आपके टॉक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर चाजिया ने शायद किया था, वो वाला टॉक आर्टिकल भी भेज दूंगी। और एक और है शायद आप लोगों को वो इसमें टॉक्स में या वाइवे में नहीं होता, एंड दैट इज एक्चुअली द लैप्रोस्कोपी इन प्रेगनेंसी। लेकिन वो भी एक लेटेस्ट आया, इट्स नॉट वेरी लेटेस्ट लेकिन यस इट गाइडलाइन है वो, मेरा ख्याल है हाँ वो गाइडलाइन है इसी की आरसीओजी की, तो वो भी भेज दूंगी। वो शायद ना है प्रेगनेंसी में लैब सर्जरी, बट हाउएवर यस ये दो टॉग आर्टिकल्स जो मैंने अभी आपको बताया वो काफी है, वो काफी मुश्किल टॉग आर्टिकल है, बिल्कुल ठीक का। वो तो शायद 2 या 4 दिन ही आपके लग जाएं अगर आप उसको सही तरह करने बैठे उस वाले टॉग आर्टिकल को, वो उस पर टाइम नहीं इतना वेस्ट करना, इतनी बातें काफी है जो मैंने आपको भी बता दी। और एनाटॉमी इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की एनाटॉमी, हो सकता है कि वहां डायग्राम ही दिया हो क्योंकि आपने इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की एनाटॉमी पता होगी तो ब्लड वेसल्स का पता होगा तो सेफ ट्रोकार एंट्री होगी। सो यस दैट इज सेफ ट्रोकार एंट्री अगर लैब सर्जरी का स्टेशन है तो इस पे तो बात जरूर होगी। पोजीशन ऑफ पेशेंट्स एंट्री
पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द एंट्री, ब्लड वेसल्स जो कि डॉक्टर साहब ने सेफ ट्रायंगल का नाम दे दिया चलो, लेकिन फिर भी आपको वो वेस्कुलर सप्लाई वो सब चीजें, वो तो वो फिर रिस्क का पार्ट होगा टॉक स्टेशन का। और जो कॉम्प्लिकेशंस है पॉइंट होता है, सॉरी मैम एक ली होंग पॉइंट भी दिया हुआ है। हाँ वो मिडलाइन का, वो जो सुप्रा अम्बिलिकल होता है, इट इज मिडवे बिटवीन द ज़ीफी, ये जो ज़ीफी स्टर्नम से लेके अम्बिलिकस के बीच का मिड पॉइंट होता है। इसके अंदर इंट्रा एब्डोमिनल आपने देखना होता है कि फेल्सी पैरम लिगमेंट कहाँ पर अटैच्ड है। सो एज इट इज इन द मिडलाइन, सो इट्स द पॉइंट ऑफ एंट्री इज नॉट एग्जैक्टली इन द मिडलाइन, इट्स स्लाइटली लैटरल टू द मिडलाइन, वो वाला पॉइंट होता है। और वो भी उसके अंदर टॉग आर्टिकल में मेंशन होगा। और एक ओपन हेसेंस टेक्निक है, वो लास्ट टाइम हमने की थी तो वो भी पता होनी चाहिए। मैम ली होंग से अभी हमने स्ट्रो भी करनी है। ली होंग जो है, ये दो पॉइंट्स होते हैं, ये देख लेना, ली होंग भी है, पता तो होना चाहिए। वैसे आई डोंट थिंक थेरोसाथी, मैं खोल लेती हूँ ये कौन सा वाला है, अगर मैंने आपको जो बताया। और अभी हमने साथ में वो भी करनी है हिस्ट्रो, ये लैप वाला कर लेते हैं पूरा, फिर वो भी मैं आपको जल्दी से करा देती हूँ। और कोई सवाल तब तक कर लो। मैम प्लीज ये रिपीट कर दें, आपने जो बताया था मोनोपोलर का कि एनर्जी सोर्स डिवाइस इलेक्ट्रोड बॉडी, ये अब रिकॉर्डिंग में देखना है, रिपीट नहीं अभी, अभी ये रिकॉर्डिंग में था कि अब हम आगे चलेंगे, ये सारा कुछ तो होगा रिकॉर्डिंग। और मोनोपोलर तो देखो ना, बात ये है कि मोनोपोलर पे बात नहीं होगी, मोनोपोलर बायपोलर का जो कॉन्सेप्ट है ना वो तो है ही। मैम यार ये जो सा पॉइंट कह रहे हो उनके नाम भेज दो, डॉक्टर जो थी ये है वही वाला पॉइंट जो मैंने एक तो नहीं, ये सॉरी डॉक्टर फातिमा ने भी बात की थी, ली होंग पॉइंट जो है जी मैम मैंने ली होंग में लिखती हूँ। ये दो तीन पॉइंट है, एक पामर पॉइंट है, एक ली होंग भी देख लो, और एक ये वाला जो मैंने आपको बताया, मेरा ख्याल है ये ली होंग ही है जो मैंने आपको बताया है, विच इज अबव द अम्बिलिकस। ये वही है जो मैंने अभी बताया ना, ली होंग पॉइंट विच इज बिटवीन द अम्बिलिकस एंड द ज़िफोइड प्रोसेस, यही है ना? ठीक है, मैं अभी वो नेट पे आई जस्ट रिकनफर्म्ड, इट इज द पॉइंट। एक्चुअली ये है क्या, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट देती हूँ। अगर आपने पूछ लिया ये पॉइंट, यस इट इट मे बी इम्पोर्टेंट, आपके लेवल पे बिल्कुल आएगा क्योंकि ये IMM से आगे की बात है। दिस इज द पॉइंट विच इज अबव द अम्बिलिकस, हमारा जो ज़िफोइड प्रोसेस होता है यूं करके एंड होता है ना, जो हमारा बीच में स्टर्नम होता है उसका जो ज़िफोइड प्रोसेस यूं करके चेस्ट में एंड होता है, नीचे अम्बिलिकस होता है, इन दोनों के बीच में ये पॉइंट होता है। ठीक है, आई होप समझ आ रही है, बता दो ये पॉइंट है कि व्हाई नॉट अम्बिलिकस। आपने प्राइमरी पोर्ट डाला पामर से, आपका 5 mm का कैमरा चला गया अम्बिलिकस से, आपने देखी एडिजन्स, एडिजन्स प्रेजेंट है इमीडिएटली बिलो अम्बिलिकस। Now you cannot put in another trocar into the umbilicus till you get rid of those adhesions. Adhesions हम कैसे निकालें? हमारा तो सिर्फ एक पोर्ट अंदर है, हमारा तो सिर्फ कैमरे का पोर्ट अंदर है, तो अब हम एडिजन निकालने के लिए एटलीस्ट हमें एक और हाथ तो चाहिए ना, we need another instrument inside the body. तो वो हम किधर डालें? So हम umbilicus से ऊपर देखते हैं, जो ये ली होंग पॉइंट है, ली होंग पॉइंट इज अबव द अम्बिलिकस विच इज बिटवीन द अम्बिलिकस एंड द ज़िफोइड प्रोसेस, उन दोनों के बीच का ये पॉइंट है। बट हमने जब बीच में देखा तो वहीं पर आपको फेल्सिपैरम लिगमेंट मिलता है जो कि लिवर को अटैच कर रहा है अम्बिलिकस से आके, वी कैन नॉट गो इनटू द लिगमेंट फॉर आवर पोर्ट। ठीक है, बिकॉज लिगमेंट में ब्लड सप्लाई भी हो सकती है, लिगमेंट थोड़ी हमने डैमेज कर देना। सो हम मिड पॉइंट से थोड़ा सा लैटरल आते हैं 1 cm, वहां पे हम कैमरे के थ्रू अंडर विजन देखते हैं, वी गेट द पॉइंट एंड वी गेट इनटू अनदर पोर्ट, और वो हम वहां से चाहे कैमरा डालें और फिर हम हार्मोनिक डाल के अपनी डिसीजन उतारें मिड लाइन की, और फिर वो सारा काम शुरू करें। सो दैट इज वाई ली होंग पॉइंट। एंड अनदर यूज ऑफ दिस ली होंग पॉइंट इज कि जब हमारे वी हैव अ लार्जर मास इनसाइड द पेल्विस, मे बी द यूट्रस इज बिग, विच मे बी लाइक
12 or 18 centimeter or 20 or 30 centimeters and we need to go get rid of that, तो हम अम्लाइका से तो नहीं जा सकते ना, तो हमें सुप्रा अम्लाइकल अपना पॉइंट रखना होता है, तो वहां पर भी हम ली होंग या हायर ली होंग यूज कर लेते हैं, ठीक है. सो दैट्स द यूज ऑफ दीज पॉइंट्स. सो क्विकली अबाउट हिस्ट्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी बहुत आसान है, वी डोंट नीड मोर देन 5 और 10 मिनट्स टू टॉक अबाउट इट, बट एग्जाम में आएगा. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम. हमने किताबों में सारा देख लिया, आप लोगों ने हिस्ट्रोस्कोपी की आई होप वीडियोज भी देखी होंगी और प्रैक्टिकली भी 90% लोगों ने देखा होगा. चलो किया शायद कम ने हो, लेकिन किया भी होगा. सो वॉट इज हिस्ट्रोस्कोपी, वी ऑल नो, हम कैमरा ले जाते हैं यूट्रस के अंदर, डिफरेंट टाइप्स है हमारे पास. ब्यूटिफुल गाइडलाइन ऑफ हिस्ट्रोस्कोपी, जी टी जी की हिस्ट्रोस्कोपी, आई डोंट नो किस साल की है, मेरा ख्याल है 2010 के बाद की, 11-12 की है. इट्स अ ब्यूटिफुल गाइडलाइन, उसके अंदर हर चीज कवर्ड है, उसको इतना आसान ना समझना. देखने में लगता है कि सिर्फ चार बातें तो लिखी है इस गाइडलाइन में, एंड इट्स वेरी इजी, बट उसमें चार बातें नहीं है, उसके अंदर हर वो चीज है जो आपको पता होनी चाहिए फॉर योर एग्जाम एट दिस लेवल एज वेल. उसके अंदर आपको ऑफिस हिस्ट्रोस्कोपी भी पता है होनी चाहिए, इनपेशेंट हिस्ट्रोस्कोपी भी पता होना चाहिए. उसके अंदर तीन टाइप ऑफ हिस्ट्रोस्कोप, उन्होंने इतनी अच्छे तरीके से शायद नहीं लिखा हुआ, लेकिन बातें बहुत अच्छी सारी कवर की हुई है. तीन टाइप्स ऑफ हिस्ट्रोस्कोप्स उन्होंने हैपेजली स्कैटर्ड तरीके से मेंशन किए हुए हैं. तीन टाइप्स कौन से, एक आइदर इट कैन बी रिजिड और फ्लेक्सिबल, एक ये टाइप हो गई, या रिजिड या फ्लेक्सिबल. नंबर टू क्या टाइप हो गई, नंबर टू टाइप हो गई एंगल, कि या तो वो 0 degrees होगा, या वो 12 degrees होगा, या वो 30 degrees होगा, ठीक है. तीसरा क्या टाइप उन्होंने दी हुई है, एक और टाइप दी हुई है, डायमीटर. डायमीटर या तो वो स्मॉल डायमीटर होगा या लार्ज डायमीटर. यानी ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिस्ट्रोस्कोप है जो डिफाइन कर रहा है कि आप कौन सा टाइप यूज कर रहे हो, रिजिड और फ्लेक्सिबल, एंगल ऑफ हिस्ट्रोस्कोप एंड ऑल्सो द डायमीटर. डायमीटर स्मॉल होता है, 2.7 से 3 millimeters का स्मॉल होता है, और 5 mm का लार्जर डायमीटर होता है. तो ये तीन टाइप्स ऑफ हिस्ट्रोस्कोप्स है जो क्या आपकी हिस्ट्रोस्कोपिक के ऊपर डिपेंड कर रही है. मैं रिपीट करूंगी, नंबर वन रिजिड है या फ्लेक्सिबल, ये कैरेक्टरिस्टिक. नंबर टू उसका एंगल, कि 0 degrees है, 12 degrees है, 30 degrees है. और नंबर थ्री क्या, नंबर थ्री अभी मैंने बताया, मैं भूल गई, डायमीटर. नंबर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज द डायमीटर. तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स ही पूरी गाइडलाइन इस पर देखती है. और यस, द डिस्टेंशन मीडियम, आज बहुत ही अच्छा सवाल किया, ये रह जाती बात अबाउट टू टॉक अबाउट द डिस्टेंशन मीडियम. क्योंकि एक सवाल देखो, अगर आप एक स्टेशन डिजाइन करो या एक स्टेशन के बारे में सोचो कि लैप्रोस्कोपी या हिस्ट्रोस्कोपी का आएगा, तो उसमें क्या सवाल हो सकते हैं. एक एंट्री, यस मे बी इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, या सेफ पेशेंट फॉर लैप्रोस्कोपी या हिस्ट्रोस्कोपी क्या होगा, उस पर बात हो सकती है. एक सवाल क्या होगा कि आपने सेफ एंट्री करके दिखाए, या उसके बारे में सवाल. तीसरा सवाल क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, हो गई है तो क्या करनी है. चौथा सवाल क्या हो सकता है, डिस्टेंशन मीडियम, ठीक है. सो दीज आर द 4 पॉसिबल थिंग्स. हाँ, कोई एडेड चीजें ऐड करनी है, मे बी द एनर्जी रिसोर्स क्या यूज हो रही है. हिस्ट्रोस्कोपी में भी आपको सर्जरी में मोनोपोलर बायोपोलर यूज होता है, सो वो चीजें हो सकती हैं. बट ये चार सवालों पे तो जरूर ये स्टेशन आगे पीछे घूमता है. तो जहां पर आपकी बात हो रही है इंडिकेशन, वो सारा आपका थ्योरेटिकल पार्ट आ जाता है, सेफ कौन सा पेशेंट है, प्री ऑप असेसमेंट और वो सारी बातें. जहां पर सेफ एंट्री इनटू द हिस्ट्रोस्कोप या इनटू द लैप्रोस्कोपी पार्ट आप अगर कर रहे हो, तो उसके अंदर आपकी एनाटमी सारी आ जाएगी, एनाटमी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा. उसके बाद आपका अगर कॉम्प्लिकेशंस है, वो प्रैक्टिकल पार्ट आ जाएगा, कि आपका पोर्ट गया है, या आपका पामर पॉइंट पे वेरीज नहीं चल गई है, न्यूमोपेरिटोनियम आपने क्रिएट किया, क्या कॉम्प्लिकेशंस एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, या ये जो सारी हमने एनर्जी रिसोर्सेज की भी कॉम्प्लिकेशंस कर ली, या वो सारा कुछ. और फिर डिस्टेंशन मीडियम, ये थोड़ा बहुत. और एनर्जी रिसोर्सेज का अलग अलग कॉन्सेप्ट, के जैसे कि आप कह लो कि यही जो मैंने आज बात की है सारी, के कहाँ से क्या करंट जा रहा है, थोड़ा बहुत जो बहुत डिटेल है वो थ्योरेटिकल था वो पास करके आए हो आप. सो हिस्ट्रोस्कोपी के अंदर
आपने ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी सी आपको डिफाइन करनी होंगी. आइदर इट्स ऑफिस एस्ट्रोस्कोपी पाकिस्तान में इज नॉट बीइंग डन, हो तो सकती है पर नहीं है चलो, लेकिन यस ये ऑपरेशन थिएटर वाली इन पेशेंट एडमिशन वाली जो एस्ट्रोस्कोपी है दैट इज बीइंग डन. लेकिन उसके अंदर भी फ्लेक्सिबल रिजिड का फर्क आपको पता होना चाहिए, डायमीटर्स का फर्क पता होना चाहिए, पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस कहाँ कहाँ आएंगी. सर्वाइकल स्टीनोसिस गाइडलाइन कहती है डोंट प्रिपेयर द सर्विक्स, देयर इज नो यूज, ना करो प्रिपेयर. लेकिन आपको से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, सिवियर सर्वाइकल स्टीनोसिस इनकाउंटर हो सकता है, हो सकता है सर्विक्स के ऊपर फाइब्रॉइड हो उसकी, या एक्यूटली एंटीवर्टेड एक्यूटली रिट्रोवर्टेड यूट्रस, वहाँ पे आपको एंट्री प्रॉब्लम्स या ट्रबल शूट करना पता होना चाहिए हिस्ट्रोस्कोप का. आई डोंट थिंक देर कैन बी एनी मॉडल और सिमिलेटर प्रेजेंट फॉर हिस्ट्रोस्कोपी जिसमें वो आपसे एग्जाम में कहेंगे करके दिखाओ, सो देर इज नो पॉइंट कि आप ये सोचो कि हमें वहाँ करनी पड़ जाए. सो देन वेन यू आर इन साइड डायग्नोस्टिक में क्या देखेंगे और एग्जैक्टली आपको किस तरीके से सारी वॉल्स और ऑस्टिया को देखना है. इसके अंदर डिस्टेंशन मीडियम, डिस्टेंशन मीडियम इसके अंदर नॉर्मल सेलाइन भी यूज होता है, इसके अंदर गैस कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज होती है, और इसके अंदर नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन जैसे कि ग्लिसरीन टाइप सोल्यूशन भी यूज होता है. मैंने नॉन इलेक्ट्रोलाइट का जिक्र क्यों किया, क्योंकि सर्जिकल हिस्ट्रोस्कोपी के अंदर आपको नॉन इलेक्ट्रोलाइट मीडियम चाहिए जो कि नॉन कंडक्टर हो. अगर आपका आप नॉर्मल सेलाइन यूज कर रहे हो एंड यू आर यूजिंग मोनोपोलर फॉर द रिसेक्शन ऑफ फाइब्रॉइड तो वो पूरी एंड इट्स और इलेक्ट्रोलाइट मीडियम है तो करंट कंडक्टर होगा इलेक्ट्रोलाइट मीडियम और वो आपकी कैविटी में डैमेज कर सकता है एट अ पॉइंट अदर देन योर टारगेट पॉइंट. सॉरी म्यूट कर देती हूँ, कहाँ है म्यूट. अच्छा, और अगर आप बाइपोलर यूज कर रहे हो एंड देयर इज अ कंडक्टर मीडियम जो कि इलेक्ट्रोलाइट मीडियम है विच यू आर यूजिंग इन हिस्ट्रोस्कोपी, तो अगर आप बाइपोलर यूज कर रहे हो तो बाइपोलर के अंदर यू कैन यूज इलेक्ट्रोलाइट मीडियम बिकॉज बाइपोलर में आपका करंट सिर्फ इन दो प्रोंग्स के बीच में ही कंडक्ट हो रहा है और यहीं पे इफेक्ट आ रहा है. सो व्हेन यू आर यूजिंग बाइपोलर एनर्जी इन हिस्ट्रोस्कोपी यू कैन यूज अ कंडक्टर मीडियम व्हिच इज द व्हिच मे बी द नॉर्मल सेलाइन, बट इफ यू आर यूजिंग मोनोपोलर बेटर नॉट यूज द कंडक्टर मीडियम दैट इज बिकॉज ये उसमें फिर आप ग्लिसरीन यूज करते हो. और व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड नॉर्मल सेलाइन, कार्बन डाइऑक्साइड अगेन कैन चेंज द पीएच, इट कैन गो इनसाइड द बॉडी एंड कॉज द एसिडोसिस. And in if you're using in hysteroscopy, secondly bubbles ज़्यादा बनते हैं carbon dioxide में, vision इतना अच्छा नहीं होता. Normal saline के अंदर जब आप blood pressure के accordingly pressure set करते हो अपने histromet से, जो कि actually वो device है जो कि use होती है hysteroscopy के अंदर for regulation of the fluid and maintenance of the pressure through which the fluid is being sent inside the uterine cavity, तो उसको उस वो प्रेशर आपने सेट किया होता है अकॉर्डिंग टू द ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट. तो जब उस प्रेशर से नॉर्मल सेलाइन जाता है अंदर तो वो जाके ब्लड वेसल्स को बंद कंप्रेशन इफेक्ट भी लाता है जिसकी वजह से वो साथ साथ ब्लीडिंग भी नहीं हो रही होती है एंड यू गेट अ ब्यूटिफुल विजन इन साइड द यूट्रेन कैविटी. सो बहुत ज्यादा डिटेल अबाउट द हिस्ट्रोमेट मेंटेनेंस ऑफ द प्रेशर वो करने की जरूरत नहीं है, बट येस यू शुड नो अबाउट द इलेक्ट्रोलाइट एंड द नॉन इलेक्ट्रोलाइट मीडियम यूज इन द हिस्ट्रोस्कोप स्पेशली फॉर द सर्जिकल पर्पज. अगर सिर्फ डायग्नोस्टिक है उसके अंदर आप बेशक इलेक्ट्रोलाइट मीडियम नॉर्मल सेलाइन यूज करो या ग्लिसरीन, दैट्स मोर लेस द सेम, बट नॉर्मल सेलाइन इज इजिली अवेलेबल और इजिली मैनेजेबल है, तो आप नॉर्मल सेलाइन डायग्नोस्टिक के लिए फॉर द बायपोलर सर्जिकल प्रोसीजर इन हिस्ट्रोस्कोपी आप वो यूज कर सकते हो. ठीक है, सो ये हिस्ट्रोस्कोपी. और कोई सवाल है तो पूछ लें. सो आई थिंक हिस्ट्रोस्कोपी एक तो हमारे पास बड़ी अच्छी गाइडलाइन, एक ही गाइडलाइन अवेलेबल है हिस्ट्रोस्कोपी की, उसमें से मैंने आपको बता दिया मेन पॉइंट्स, और ज्यादा बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट्स मोर अबाउट द ऑफिस हिस्ट्रोस्कोपी के ऑफिस हिस्ट्रोस्कोपी के अंदर आप एनाल्जेसिया क्या यूज करते हो. एक्सक्यूज मी, पहले से आप उसे ओरल एनाल्जेसिया एडवाइस कर देते हो कि घंटा पहले ही खा के आए घर से, एंड व्हेन यू आर डूइंग द प्रोसीजर दैट घंटा पहले वाली एनाल्जेसिया इज नॉट टू कॉज रिड्यूस पेन ड्यूरिंग द प्रोसीजर, बट ये पहले ये पोस्ट ऑपरेटिव पेन जो स्टडीज हैं वो कहती हैं कि इंटर ऑपरेटिव पेन को इतना कम नहीं करती लेकिन पोस्ट ऑपरेटिव पेन को कम करती है गाइडलाइन में लिखा हुआ. सो या तो ओरल एनाल्जेसिया बिफोर प्रोसीजर होता है या फिर ट्रॉपिकल एनाल्जेसिया होता है, स्प्रे होता है ऑन द सर्विक्स
गाइडलाइन में लिखा हुआ लिग्नोकेन स्प्रे या फिर इंजेक्टेबल ऑन द सर्विक्स है विच इज द लोकल एनेस्थीसिया ऑन द सर्विक्स और सेडेटेबल यानी सेडेटिव एनेस्थीसिया नॉट लाइक द जीए और एनीथिंग लाइक दैट सिर्फ सेडेटिव्स आप दे के फिर दिस इज फॉर द हिस्टेरोस्कोपी. उसके अलावा गाइडलाइन के अंदर सर्वाइकल राइपनिंग की बात है वो उन्होंने इंकरेज नहीं किया हुआ. एंड देन इट्स अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हिस्टेरोस्कोप जो तीन में मैंने आपको बता दिया रिजिड और फ्लेक्सीबल डायमीटर एंड द एंगल अगर कहते हैं तो एंगल का भी बता देती हूँ. उसकी वजह यह है कि हो सकता है वहां पे 30 डिग्रीज पड़ा हो या वहां 0 डिग्रीज पड़ा हो. सो यू शुड नोट के वो 30 डिग्रीज है या वो 0 डिग्रीज है. जैसा कि ये मेरा पेन है ठीक है. डू यू हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ 0 डिग्रीज और 30 डिग्रीज मुझे बता दो फिर नहीं है तो मैं जल्दी से बता देती हूँ. किसी ने पूछना तो एंगल्स का कॉन्सेप्ट तो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जिसको नहीं हाँ बता भी देती हूँ क्योंकि वहां पर अगर आपको आइडेंटिफिकेशन पड़ी है और फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करनी है तो उसमें एंगल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें यही होता है कि जैसे मेरी फिंगर है ठीक है ना ये देखो मेरी फिंगर आगे से गोल है आगे से बिल्कुल गोल दैट्स 0 डिग्रीज. अगर ये उब्लीक होती ऐसे उब्लीकली कटी होती जैसा कि आई होप यू कैन सी द इनसाइड ऑफ दिस कैसे मैं दिखाऊं ओब्लीकली कटा हुआ जैसे कि 30 डिग्रीज कटी हो पहाड़ की तरह से कटी हो ओब्लीकली कटी हो 30 डिग्रीज दैट्स 30 डिग्रीज. उसका ये कॉन्सेप्ट है क्यों. 0 डिग्रीज में क्या होता है इजी एंट्री है. जब 0 डिग्रीज कैमरे से मैं अंदर जाऊंगी तो जो मेरे सामने चीज पड़ी है वही मेरे सामने पड़ी हुई है ठीक है. जब 30 डिग्री से मैं जाऊंगी फॉर एग्जाम्पल ये मेरा अगर 30 डिग्रीज ऊपर से कटा हुआ है तो जो सामने चीज नजर आ रही है वो एक्चुअली 30 डिग्रीज अप है. सो 30 डिग्री से फर्क ये होगा कि डिफिकल्ट एंट्री बट बेटर विजन. अंदर जाके 0 डिग्रीज में तो मुझे पूरा 0 डिग्रीज को एक साइड पर लेके जाना पड़ेगा राइट साइड ऑस्टियम को देखने के लिए दूसरी साइड पर लेके जाना पड़ेगा लेफ्ट ऑस्टियम को देखने के लिए. लेकिन 30 डिग्रीज कटी हुई जो मेरी उंगली होगी जब मैं उसे अंदर लेके जाऊंगी तो मुझे उसको पूरा नहीं हिलाना पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट को यानी कि द इंस्ट्रूमेंट विच इज लाइंग आउटसाइड द ऑस डजंट नीड टू बी मूव्ड. वो सिर्फ मैं फिर घुमाऊंगी 30 डिग्रीज को कि 30 डिग्रीज मुझे राइट ऑस्टियम दिखाए यहां से भी मैं सिर्फ उसको घुमाऊंगी ताकि वो मुझे दूसरी साइड का ऑस्टियम दिखाए. सो दिस इज द डिफरेंस 30 डिग्रीज या 12 डिग्रीज में 30 डिग्रीज इवन बेटर. उसमें विजन आसान होती है लेकिन एंट्री मुश्किल होती है. 0 डिग्रीज में एंट्री आसान होती है लेकिन विजन मुश्किल होती है. सो दैट इज द डिफरेंस. बाकी कॉम्प्लिकेशंस नंबर वन यूट्राइन परफोरेशन या कह लो कि ट्रॉमा. इट कैन बी आप उसे यूट्राइन ट्रॉमा का नाम दे दो वो सर्वाइकल ट्रॉमा भी हो सकता है यानी कि सर्विक्स में स्टीनोसिस था फॉल्स पैसेज बन गया यू आर अनेबल टू एंटर द कैविटी वो यूट्राइन ट्रॉमा के अंदर ही आ जाता है परफोरेशन भी. नंबर टू कॉम्प्लिकेशन ओवर यूज ऑफ द डिस्टेंशन मीडियम. नॉर्मल सेलाइन आपने इतना ज्यादा यूज किया कि पेशेंट फ्लूइड ओवरलोड में चला गया ये सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है. तो इसलिए जब आप कोई सर्जरी कर रहे हो तो हिस्टेरोस्कोपी में फॉर एग्जांपल मायमेक्टोमी कर रहे हो या आप सेप्टम रिसेक्शन कर रहे हो तो आप एक लिमिट तक उसका डिस्टेंशन मीडियम यूज करते हो. यू आर इन लेजन विद एनेस्थेटिस्ट ऑल द टाइम देन आल्सो विद योर ओटीए जो कि ड्रिप्स चेंज कर रहा होता है सो दैट यू शुड नो एग्जैक्टली कितने लीटर आप यूज कर चुके हो. एंड एनेस्थेटिस्ट इज कीपिंग एन आई ऑन द लंग्स वो लंग्स को चेक रख में रख रहा है कि लंग्स ओवरलोड में तो नहीं जा रहे. आई वी फ्लूइड तो नहीं वो एक्स्ट्रा दे रहा उसके अंदर क्योंकि पहले फ्लूइड जा रहा है अंदर. तो ये दो तो कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशंस हैं और उसके अलावा बताओ मैम कितना फ्लूइड हम डाल सकते हैं हिस्टेरोस्कोपी के. देयर इज नो अमाउंट हर पेशेंट के अंदर डिफरेंट होता है. तकरीबन देखो जो डायग्नोस्टिक हिस्टेरोस्कोपी है फ्रेंकली वो तो मोर देन 1 लीटर के अंदर ही एंड हो जाती है बिकॉज उसके अंदर वंस यू आर इनसाइड द कैविटी आपने क्विकली उसके ऑस्टिया देखे एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्स लैटरल वॉल्स देखी पैनोरामिक व्यू देखा एंड यू कम आउट. जो सर्जिकल है इफ यू हैव गॉट अ बिग फाइब्रॉइड फॉर एग्जांपल देखो इवन 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर फाइब्रॉइड इन द यूट्राइन कैविटी इज अ बिग फाइब्रॉइड बिकॉज कैविटी खुद 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर की एक नॉर्मल कैविटी है उसके अंदर 2 या 3 सेंटीमीटर का अगर फाइब्रॉइड है विच मीन्स इट्स ऑक्यूपाइंग मोर देन हाफ ऑफ द कैविटी एंड यू आर पुटिंग इन दिस लिटिल 3 mm डायमीटर हिस्टेरोस्कोप इन साइड द यूट्राइन कैविटी और उसके थ्रू आप इतने बड़े फाइब्रॉइड से मुकाबला करने अब जा रहे हो
एंड देन यू एंड फॉर एग्जाम्पल अनफॉर्चुनेटली द फाइबर्स गॉट अ बिगर बेस, ब्रॉड बेस है, तो उसके अंदर अगर आप उसको सीजर्स तो नहीं, उसमें एटलीस्ट आप बायपोलर के साथ या इवन मोनोपोलर के साथ आप उसका रिसेक्ट करोगे तो इट कैन टेक अ बिट ऑफ टाइम. सिमिलरली अ सेप्टम विच इज रीचिंग द एक्सटर्नल ऑस ऑफ द सर्विक्स और मे बी द इंटरनल ऑस ऑफ द सर्विक्स यानी थ्रू एंड थ्रू सेप्टम है, दैट मे ऑल्सो नीड सम टाइम टू बी कट. उसके अंदर आपको मोर देन वन लीटर ऑफ फ्लूइड यूज हो जाते हैं. Once you cross 5 liter level, then you keep on asking your anesthetist also that how are the lungs going, how is the general body condition, आप उसको IV fluid कितना दे रहे हैं, etc. You become very careful. इसके अंदर एक चीज और बहुत matter करती है, the fluid which is coming out from the cavity, यानी कि जो fluid cavity में से बाहर आ रहे हैं, उसके भी measuring bags होते हैं. There are bags available जो आप patient के table के नीचे लगा लेते हो, जो कि immediately आप introitus से जो fluid निकल के flow out कर रहा है, leak out कर रहा है, उस bag में collect हो रहा होता है, so that you can see that if for example you have used 3 liter, then 2 liter has come out as well, so which means that 1 liter is inside the body. Yeah, at times if you don't have those bags, वैसे ही जो theater में आ चुका होता है fluid, आप उससे भी अंदाजा लगा लेते हो कि इतना अंदर गया है तो इतना बाहर भी तो आया है. So लेकिन again उसके बाद आप उसको एक लेवल पे, एक मिनट, सो सॉरी मैं जस्ट नीड टू पे, एक सेकंड, एक कॉल मैं लेके. ठीक है, सो ये है. उससे आपको अंदाजा हो जाता है कि जितना अंदर, सो इनपुट आउटपुट टाइप एक रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा होता है व्हेन यू आर डूइंग अ लॉन्गर प्रोसीजर फॉर द हिस्ट्रोस्कोपी. ठीक है, तो उसके अंदर फिर आप कैलकुलेट करके यूज कर लेते हैं. मैम यूरिनरी आउटलेट एंगल, थैंक यू, वेल डिग्री एंगल का भी बता दें प्लीज. किसका 12 डिग्री एंगल आपने कहा ना कि 0 डिग्री होता है. देखो जीरो डिग्री मोस्टली जो कॉमनेस्ट इन यूज है वो 0 degrees और 30 degrees है. 12 degrees इज इन बिटवीन ना. 12 degrees ऑल्सो एन एंगुलेटेड हिस्ट्रोस्कोप. तो एंगुलेटेड के अंदर वैसे ये डिग्री, चलो कंफ्यूज ना होना, मैं वो बात नहीं करती क्योंकि चलो वो लैप्रोस्कोपी में भी ये डिग्रीज होती हैं, बट यू डोंट नीड टू गेट कंफ्यूज, उसके अंदर इतना बात नहीं है. हिस्ट्रोस्कोपी के अंदर 12 degrees जो होता है ना, 12 वो जो 30 degrees है वो ज्यादा एंगल एक्यूट होता है, 12 degrees कंपेरेटिवली कम एक्यूट एंगल होता है. तो 12 जो चीज सामने है एक्चुअली वो सामने नहीं है, वो 12 degrees अप है. तो आप उसके हिसाब से हिस्ट्रोस्कोप को अंदर लेके जाते हैं, बट वेंस यू आर इन तो आपको उसी तरह थोड़ा सा उसको ज्यादा घुमा के ऑस्टियम को ढूंढना पड़ता है. 30 degrees गिव्स द बेस्ट विजन वंस यू आर इन. पैनोरामिक व्यू का मतलब कि पूरी पूरा व्यू वो आप इंटरनल ऑस के लेवल पे जब रखते हो ना कैमरा, तो यू गेट टू सी द होल कैविटी, कमरे की तरह की कैविटी नजर आती है. यू ट्राइंग. ओके मैम, थैंक यू. ठीक है, चलो गुड. आई होप कुछ कॉन्सेप्ट्स हो गए हैं, फ्रैंकली इतना काफी है. ठीक है, कॉपी करने की जरूरत है क्या मैडम? जो नो टच टेक्निक होती है वो भी हम लोग बताएंगे कि मतलब कि जो नो टच टेक्निक होती है हिस्ट्रोस्कोप की, वो वजाइनोस्कोपी के लिए होती है, कोई इतनी बड़ी चीज वो भी नहीं है. Frankly, I don't think वो आएगी, but thanks for mentioning it. वो भी पता होनी जरूरी है कि what is it. No touch technique सुन के हाथ पाँव ना फूल जाए. It's देखो hysteroscope के अंदर ये जिसने भी सवाल किया, sorry मैं नाम नहीं देख सकी, but thank you for mentioning this thing. मैं ये miss कर जाती. पता होनी चाहिए, ये कोई हाथ पाँव नहीं फूलने चाहिए. इसके अंदर जो hysteroscope होता है, how do you start hysteroscopy? Same vaginal procedure वाले protocols. कंसेंट वगैरह, प्री ऑप असेसमेंट, एनेस्थीजिया, पोजिशन. इसके अंदर डॉर्सल लिथोटमी पोजिशन होती है विद अ वेरी स्लाइट हेड टिल्ट अगर आपको सूट करे, वरना डॉर्सल लिथोटमी इज ऑल्सो गुड. उसके बाद आपने ब्लैडर एम्प्टी किया, उसका EUA किया बाय मैनुअल, फिर आपने पोस्टीरियर वॉल ऑफ द वजाइना रिट्रैक्ट की सिम स्पेकुलम से, एंटीरियर सर्विक्स एंटीरियर लिप ऑफ द सर्विक्स होल्ड किया टेनेकुलम से या वाल्सेलम से, एंड देन यू स्टार्ट ऑफ योर हिस्ट्रोस्कोपी. राइट, जो नो टच टेक्निक है उसके अंदर सिमिलरली कंसेंट, एनेस्थीजिया एंड प्री ऑप असेसमेंट, एंड व्हेन पेशेंट इज इनसाइड द थिएटर, पोजीशन, एक्सपोजर, लाइट, यू एम्प्टी द ब्लैडर, यू डू बाय मैनुअल.
उसके बाद आपने उसका सिम से ना नो टच टेक्निक, अब आपने उसका वजाइना में सिम सिम्स नहीं डालना, आपने डायरेक्ट हिस्ट्रोस्कोप लेना एंड यू गो इन टू द वजाइना. हाँ, गाइडलाइन कहती है एट टाइम्स प्रैक्टिकली एज वेल यू नीड टू पिंच द वल्वा एज वेल सो दैट द वजाइना के अंदर नॉर्मल सेलाइन से डिस्टेंड हो जाए वजाइना. आर यू सी ऑल द वजाइनल वॉल्स एंड देन यू आइडेंटिफाई द सर्विक्स सर्वाइकल ओपनिंग और फिर आप अंडर विजन सर्विक्स से एक्सटर्नल लॉस सर्वाइकल कैनाल इंटरनल लॉस एंड देन यू गो इन टू द यूट्राइन कैविटी. ठीक है, ये नो टच टेक्निक उसके उस पेशेंट के अंदर अंडर एनेस्थीसिया काम ज्यादा आती है जैसे कि अनमैरिड है. ऑब्वियसली यू नॉट डू बाय मैनुअल इन एन अनमैरिड क्योंकि उसके अंदर आपने वजाइना भी क्लीन नहीं करना पेन ड्रिप करते हुए. आपने उसके अंदर सिर्फ डायरेक्ट 2.7 mm या मैक्सिमम 3 mm वेरी स्मॉल हिस्ट्रोस्कोप सो दैट टू मिनिमली डैमेज द हाइमन. आपने उससे डायरेक्टली जब आप अंदर जाओगे मिनिमल वजाइनल हैंडलिंग यू गो इन टू यू गो टू द यू लुक इन टू द वजाइना एंड देन यू गो फ्रॉम एक्सटर्नल लॉस सर्वाइकल लॉस टू द एंड 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 इन द यूट्राइन कैविटी. तो ये आप तो दिस इज वजाइनोस्कोपी. दिस इज द नो टच टेक्निक. इट हैज गॉट गुड पॉइंट्स. नंबर वन इट्स नो टच. नंबर टू गुड फॉर ऑफिस हिस्ट्रोस्कोपी. इट डजंट नीड टू होल्ड द सर्विक्स जो पेन कॉज करे. नंबर थ्री यू कैन हैव अ लुक एट द वजाइनल वॉल्स एज वेल. नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि ग्रॉस लुक ऑफ द सर्विक्स चलो वो आपने हिस्ट्रोस्कोप से भी बड़ा अच्छा नजर आ जाता है. इसका नुकसान एक ये है जो वो कहते हैं कि वजाइनल इन्फेक्शंस कैन असेंड. तो आपको रूल आउट करने होते हैं पेशेंट्स थोड़े से प्रोज एंड कॉन्स देख के वजाइनोस्कोपिकली जाएं या नो टच टेक्निक ना करें, सर्विक्स होल्ड करके कर लें. नंबर टू एंट्री थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है इफ यू आर नॉट दैट स्किल्ड इन द नो टच टेक्निक. बस ये फर्क है. सो थोड़ा सा नो टच टेक्निक के बारे में ये बातें थी. इससे ज्यादा ना पता होने की जरूरत है ना. जब पेशेंट अंडर एनेस्थीसिया है यू कैन पुट इन द सिम्स, यू कैन होल्ड द सर्विक्स, देन यू डोंट नीड टू डू वजाइनोस्कोपी. यू आप डायरेक्ट भी जा सकते हो. व्हाई वुड यू लाइक टू टेक एनी रिस्क ऑफ, क्योंकि गाइडलाइन में मेंशनड है वजाइनोस्कोपी के साथ असेंडिंग द इन्फेक्शन वाला वर्ड. तो जब आप एक ग्रॉस लुक सारा देख रहे हो एंड यू आर नॉट रियली सस्पेक्टिंग VIN इन अ पेशेंट और बस ठीक है तो सो बोथ आर गुड. मैम सिस्टोस्पोरिंग इन्फेक्शंस तो अगर नो टच ना भी हो तब भी नहीं होंगी. यू आर इंट्रोड्यूसिंग एन इंस्ट्रूमेंट. आप स्पेक्युलम को डाल रहे हैं. आप इंस्ट्रूमेंट जो हिस्ट्रोस्कोप है आप सर्विक्स से लेके जा रहे हो. आप वजाइना से गुजार के नहीं लेके जा रहे हो. जब आप अंडर विजन डाल रहे हो तो फिर उसमें असेंडिंग इन्फेक्शन नहीं है हिस्ट्रोस्कोपी में. हिस्ट्रोस्कोपी में आपने फ्लूइड ऑन ही तब किया है जब यू आर इन द सर्वाइकल कैनाल. राइट, ठीक है. ठीक है ना. वेरी गुड. बड़े अच्छे आप सारे सवाल करते हो. चलो गुड. ठीक है. सॉरी सिस्टोस्कोप करें या ना करें? सिस्टोस्कोप ना करो. आइडेंटिफाई करना आना चाहिए वरना बहुत आसान है सिस्टोस्कोपी भी. सिस्टोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी से ज्यादा आसान है. कुछ भी नहीं. सिस्टोस्कोप को आपने यूरिथ्रा में रखना है तो इसमें तो फिर भी आपने सर्विक्स क्रॉस करना है. स्टिनोसिस इनकाउंटर हो सकता है. एंगल आपको मुसीबत डाल सकता है एटसेट्रा एटसेट्रा. उसमें तो आपने यूरिथ्रा पे रखा, यूरिथ्रल ऑरिफिस बाहर जो होता है उसके ऊपर अभी सिस्टोस्कोप रखा है तो यू आर इन द ब्लैडर. ब्लैडर में जाते यू डोंट इवन नीड द डिस्टेंशन मीडियम. वो तो यूरिन कंटिन्यूसली आ रहा है अंदर ब्लैडर के अंदर तो ब्लैडर तो डिस्टेंड हो ही जा रहा है. बल्कि आपका अगर डिस्टेंशन मीडियम है तो आप ऑफ करो डिस्टेंशन मीडियम ताकि आपको यूरिटेरिक ऑरिफिसेस नजर आए. पोस्टीरियरली आपको ट्राइगोन बड़ा प्यारा नजर आता है. दोनों यूरिटेरिक ऑरिफिसेस नजर आते हैं और बस वापस आ जाओ. इससे ज्यादा ना करो सिस्टोस्कोप. ठीक है मैम. जो हम ब्लैडर एम्प्टी करते हैं उसकी जो आउटर शीट पहले डालेंगे ब्लैडर एम्प्टी होगा उसके बाद फिर हम जिनके दरमियान जंक्शन है और फिर हम जो है ना इनर शीट डालेंगे. ऐसा ही है. देख भी लेना इसकी तस्वीरें देख लो या अपने थिएटर में जाकर देख लेना कि होता कैसे. वैसे आई थिंक हाँ ये फर्क आ सकता है हिस्ट्रोस्कोप और सिस्टोस्कोप में फर्क देख लें लेकिन ये कोई इतना बड़ा आई डोंट थिंक. हिस्ट्रोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी जिस तरह से अभी हमने कवर किया आई थिंक इट्स मोर देन एडिक्वेट. किसी को अगर कोई और पॉइंट याद आए कि कुछ रह गया है वो अगली क्लास में मेंशन कर सकते हो. बट मैं आपको दोनों टॉग आर्टिकल्स भी भेज दूंगी और एक वो जो छोटी सी गाइडलाइन है अगर वो देखना है देख लेना. वैसे प्रेगनेंसी में लैप्सर्जी वाला आई डोंट थिंक स्टेशन कोई आएगा पर देख लेना कुछ भी आ सकता है एग्जाम. ठीक है मैडम. एक क्वेश्चन था मैडम. ये जो 30 degree वाला होता है उसका कोई स्पेसिफिक मतलब कि एंट्री आपने एंगल की एंट्री करनी होती है कि लोअर या फिर अपर से जाना होता है? इट्स योर ओन कन्वीनियंस.
कुछ लोग एंगल को अप रख के जाते हैं, कुछ लोग एंगल को डाउन रख के जाते हैं. सो दैट डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स. बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट. कोई स्पेसिफिक उसका एंगल तो नहीं है ना कि हम लोगों ने इतने मुझे आप करके आसान लगता है. इट्स योर कन्वीनियंस. आपको कैसे आसान है अप करके, मुझे लगता है कि ज्यादा अंदर जाके एक्सपोजर और यू रिमेन सेफर कंसिडरिंग. लेकिन कई लोग डाउन करके जाते हैं. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हिस्ट्रोस्कोप की असेंबली ये थिएटर में जाके सीख लेना. और मैडम इसमें बाकी इंस्ट्रूमेंट्स आ सकते हैं जैसे कि ग्रास्पर्स हैं, सीजर्स हैं, क्या मुश्किल है? आगे से वो जिसका कैंची जैसा होगा वो सीजर होगा, जिसका ग्रास्पर जैसा होगा वो ग्रास्पर होगा. रिसेप्टोस्कोप की तस्वीर नेट पे देख लो. और एक दो और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं शेवर वगैरह, आई डोंट थिंक वो आएंगे. इंस्ट्रूमेंट्स लैब से जो हिस्ट्रोस्कोपी के कोई इतने अनोखे तो नहीं है. जिसका मुंह ऐसे करके होता है वो ग्रेस्पर होता है, जिसका मुंह आगे कैंची बनी होती है वो सीजर होती है. लेप्रोस्कोप के अंदर जो पतला सा ग्रेस्पर होता है पॉइंटेड टिप वाला, मैरीलैंड कहते हैं उसको. दो चार ही नए नाम है, वो देख लेना नेट से देख लो. बेशक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए परेशान होने की तो कोई बात ही नहीं. थैंक यू मैम. ठीक है चलो गुड. ओके गुड लक. Have this.